भैसा कृपा सिंधु भय बचा पतितानंग पावन भो वैष्णवे भो नमो नमः। वृंदावी तुलसी देव प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का साधारण कारण है। साधारण कारण में बताया जो कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए महाप्रभु जगत में ये हरिनाम संकीर्तन तो उन्होंने प्रचार करने के लिए जगत में आए थे इसलिए। लेकिन हरिनाम संकीर्तन तो प्रदान किया है, लेकिन उसमें एक विशेष वस्तु दिया। क्या दिया? वो हरिनाम संकीर्तन सब लोग तो करते हैं, ज्ञानी कर्मी योगी और लोग भी तो हरिनाम करते हैं, बोले हम भी हरिनाम करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग महाप्रभु की धारा में भक्त विनोद ठाकुर प्रभुपाद की धारा में हम लोग आए हैं, लेकिन ये हरिनाम जप करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा गोलोक वृंदावन, मिलेगा राधा रानी के चरण की हमें सेवा प्राप्त होगी और श्री चैतन्य महाप्रभु की धाम देवी श्वेत द्वीप में भी हमें वहाँ भी स्थान मिलेगा। एक साथ में दोनों स्थान में जब सिद्धि प्राप्ति होगी, हम दोनों जगह पर दो रूप धारण करते हुए जा करके हम महाप्रभु की और जुगल सरकार की दोनों की हम सेवा करेंगे। इसलिए हम लोग नाम जप करने का ये विशेष महत्व है। आज हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु आने का गौण में जो मुख्य कारण है, जिसको श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है श्री रूप गोस्वामी का श्लोक है, बोले अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसांग सो भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर जुति कदम बसंदीपित सदा हृदय कंदरे सुरतुब सची नंदन। कहते जब श्री रूप गोस्वामी ये श्लोक को तालपत्र में लिख करके जो ऊपर में जो रख लिए थे, जिसको चैतन्य महाप्रभु देख करके इतने प्रसन्न हुए, उनके आनंद की सीमाओं नहीं रही है। महाप्रभु कौन है, जगत में क्यों आए और जगत में क्या देना चाहते हैं? जगत में बड़े बड़े दाता लोग आए हैं, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निंबार्क, और बड़े बड़े जगत में साधु लोग आए हैं, उन लोगों ने क्या दिया और चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? जब महाप्रभु ये श्लोक को और दूसरे श्लोक को जो नाम की महिमा को जो श्लोक है, जिसको तुंडे तांडविन वित वितनुते तुंडावलि लब्धे कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्पृहा चेत प्रांगण संगनी रचयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण इति वर्णन। जब ये श्लोक को हरिदास ठाकुर सुने नाच उठे। महाप्रभु कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं, इसको पहले नाम की महिमा बहुत शास्त्र में बताया, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जैसे नाम की महिमा बताया, ऐसे महिमा हमने कभी सुना नहीं।
कभी जो दो अक्षर जो कृष्ण, इसमें इतने आनंद है कि जब जिह्वा में उदय होता है, जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं, जिह्वा भी थिरक थिरकने लग जाती है। जब कान में प्रवेश करता है, बोले कर्ण करो कड़मनि घटे ते करना बुधे बस लिया, इच्छा होता है ये दो कान क्यों दे दिया हमें, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया है, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया। लेकिन जब हृदय में प्रवेश करती है, कहते ऐसे आनंद की धारा प्रवाहित तो होकर के अप्राकृत इंद्रिय की अनुभूति को जागृत कर देती है, ये भगवान का नाम। ये दो श्लोक को सुनकर के महाप्रभु इतने खुश हुए हैं, इतने खुश हुए महाप्रभु, बड़े प्रसन्न हो गए महाप्रभु हैं। इसलिए इसी श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु का पूरा परिचय उन्होंने बताया है। यहाँ कहते बोले अनर्पित चरिन चिरात, यद अनर्पित मतलब होता है, कहते अनर्पित मतलब अदतम पूर्वम। यहाँ पर कहते हैं क्या ये चीज कभी उन्होंने दिया नहीं, कभी पहले दिए हैं, लेकिन ये दिए तो है लेकिन बहुत पहले दिए हैं। बोले क्या दिए है, बोले चिरात, चिरक चिरात मतलब होता है चिरकालम व्याप्या, बहुत दिन पहले महाप्रभु ये प्रेम को दिए थे, अभी वो प्रेम को दे रहे हैं। बोले कितना दिन पहले दिए थे, बोले ब्रह्मा का एक दिन पहले महाप्रभु जब आए वो प्रेम दिए थे। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन है, बोले 1000 चतुर्युग। 1000 कितना होता है, यदि कलयुग का परमा देखो, हम लोग कितने भाग्यवान ये चीज को समझो हैं। कोई भी ये कलयुग में जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन बड़े बड़े देवता लोग और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, कहते सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं और ये महाप्रभु धारा में आना चाहते हैं। ये चीज समझो हम कितने भाग्यवान, कोई कलयुग में नहीं आना चाहते लेकिन इसी कलयुग में सब आना चाहते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, कलयुग का परमायु 4,32,000 साल, देखो कितने दिन बाद में दिए, 4,32,000 साल। कहते इसका 2 गुना कर दो, ये द्वापर युग है, 8,64,000 साल। अभी कलयुग को त्रेता युग का 3 गुण कर दो, कितना होगा, तो बोला है? जो हो गया 12 लाख, और कितना हो गया, 17,32,000, नहीं 12 लाख, 4 त्रिक 12 है ना, इसलिए 3 गुना। और इसको जब उसको सत्यजुग आएगा उसको 4 गुना होगा, सत्यजुग का 4 गुना हो गया। हो गया तो जितना हुआ उसको मिला दो, इसको एक महाजुग है, चतुर्युग कहते हैं। ऐसे जब ऐसे कहते 71 जब महाजुग में, कहते ऐसे 1000 चतुर्युग को बाद में एक बार महाप्रभु आते, 71 कहते महाजुग में एक मन्वंतर होता है, ऐसे जब 14 मनु चले जाते हैं फिर एक बार महाप्रभु आते। मतलब अरब खरब साल पहले महाप्रभु कभी आए थे और उनने वो प्रेम को उन्होंने दे कर गए हैं, दे कर गए, अभी वो प्रेम को देने के लिए आए। और ज्यादा दिन नहीं गए महाप्रभु, कितना साल पहले, 5.5-7 साल पहले गए। फिर उसको बाद में बड़े बड़े महापुरुष प्रभुपाद जैसे राधा रानी के नयन मणि मंजरी आए, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जैसे, भक्ति में पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमुद संत गोस्वामी महाराज, भक्ति लेख माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति और हमारे श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, ये जो महापुरुष, इस इनके लिए कहते कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे हैं, ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये सब महापुरुष लोग आए। ज़्यादा दिन हो गया, कुछ दिन पहले आए, उसके बाद में फिर हमारे गुरुवर्ग आए। इसलिए हम भी बड़े भाग्यवान समझो, हम भी कम भाग्यवान नहीं, हम भी बड़े भाग्यवान हैं, उनकी शिष्य प्रशिष्य में जो आए। इसलिए श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि आचार्य जो भी मान, वो कहते हैं एक उदाहरण देते हैं, जैसे मानो मोदी को साथ में आप कोई परिचित है, मोदी कोई परिचित आप है बहुत निकट का, कहीं अगर जरूरी काम पड़े ना, अगर आपने मोदी का नाम ले लिया, जानते हो मोदी क्या, मेरा अमुक का अमुक अमुक लगता है, तो बड़े से बड़े काम हो जाता है, बड़े से बड़े काम हो जाता है साधारण इसका नाम लेने पर। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते आचार्य अभिमान, मतलब बोले हम कौन है, हम साधारण नहीं, जानते हो हमारे गुरुदेव कौन है, भक्ति स्वरूप
सिद्धांत गोस्वामी महाराज जानते उनका गुरुदेव कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ठाकुर जो नयन मणि मंदिर उनको गुरुदेव कौन, बोले गौर किशोर दास बाबा जी उनको गुरुदेव कौन, श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरुदेव कौन, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनको गुरु परंपरा कौन से कहाँ से आई, बोले विश्वनाथ चक्र ठाकुर बलदेव जी था उनको, उनसे कौन, बोले नरोत्तम श्यामानंद, उनसे जीव गोस्वामी, उनसे सड़ गोस्वामी, उनसे महापुरुष। कहते हम रोज रोज जय देते हैं ना, हम रोज रोज जय देते हैं। कहते ये अगर अभिमान तुम्हारे अंदर में आ जा रहे, हम साधारण व्यक्ति के थोड़ी है, हम प्रभुपाद के नाती लगते हैं, हाँ प्रभुपाद के नाती पोते लगते हैं। कहते इसी में तुम्हारी काम बन जाएगा, कहते इस इतने अभिमान से ही तुम्हारी काम बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते जो प्रेम को चिरकाल व्यापक करते हुए जो प्रेम को उन्होंने नहीं दिया था, कहते वो क्या प्रेम है, बोले उन्नत उज्ज्वल रसान, बोले उन्नत संबंधित उज्ज्वल रस श्रृंगार रस जस्याम। इसलिए महाप्रभु जगत में दिया किया है, बोले उन्नत उज्ज्वल रस को उन्होंने प्रदान किया है। कहते उन्नत उज्ज्वल रस किया है, बोले ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार मतलब श्रृंग होता है ना, है जैसे सर्वश्रेष्ठ। कहते वो क्या है, कहते मधुर रस है, परे क्या भाव है, और परे क्या रस में भी, हाँ परे क्या रस में तो सभी खुफियाँ हैं, लेकिन होने पर भी हम लोग श्री राधा रानी की पक्ष में रह करके, राधा रानी के अनुगत्य में रह करके जो भजन करते हैं, और विशेष करके रूपानुगत्व को आश्रय करते हैं, ये विशेष महत्व है। हाँ इसलिए हमारे जितने गुरु परंपरा हुए ना, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाई वे आतो थी कबे हम बोझ बसे जुगल प्रीति। रघुनाथ पदे रूप मोर वास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी चरण में प्रार्थना करते हैं, कब हम रूपानुगत होकर के भगवान की भक्ति करें। भक्तिमन ठाकुर क्या कहते हैं, बोले सुनिया छि साधु मुखे बोले सर्व जाना श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। इसलिए सब साधु एक ही बात कहते हैं, हैं श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण, रूप गोस्वामी कृपा में ही जुगल चरण प्राप्त होता है। कहते कृष्णदास के विराज गोस्वामी क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रघुक मोर वास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसलिए हर पया हर अध्याय के लास्ट में उन्हें रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी चरण को वंदना करते हैं, इनके चरण में हमारी आस रहे, इनकी कृपा से जुगल सरकार मिलता है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने ये प्रेम को महाप्रभु देने के लिए आए, ये साधारण प्रेम नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये चीज को उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में उन्होंने वर्णना करते हैं, हैं उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में वर्णना करते हैं। इसलिए उसमें पांच तरह का सखियों का नाम लेते हैं, हैं इसलिए। लेकिन हम लोग जो कुछ सखियाँ हैं जो कृष्ण पक्ष है विपक्ष है, कुछ सखियाँ हैं राधा, कुछ सखियाँ हैं राधा रानी की पक्ष, कुछ तटस्थ है, तटस्थ मतलब होता है वो कृष्ण को भी मानते हैं और श्री राधा रानी को भी मानते हैं, लेकिन कुछ जो प्राण सखी और श्री प्रिय प्राण प्रिय सखी, ये जो दो तरह का जो सखी है ना वो केवल श्री राधा रानी की पक्ष है, ये केवल श्री राधा रानी की पक्ष है। कहते हैं राधा पद छाड़ी ये जन सजन जे भावे से भावे था के अमित राधिका पक्ष पाति श्रद्धा कबू नाई हरि तकी। भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति राधा रानी की चरण को छोड़ करके भले ही जैसे तैसे भाव रहे में रहे, लेकिन हम तो राधा रानी की पक्ष में है। इसलिए राधिका दास यदि हय अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल पाए। अगर ये अभिमान हो जाए हम श्री राधा रानी का दासी है, जल्दी से जल्दी क्या गोकुल गाने कृष्ण जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए कहते ये प्रेम को देने के लिए वहां पर तो श्री रूप गोस्वामी पता नहीं क्या क्या भेद बताते, कहते कि मधु स्नेह और एक घृत स्नेह, समझते हो मधु स्नेह घृत स्नेह,
मर्दों स्नेह घृत स्नेह मतलब होता है जैसे घी। अब घी को ऐसे नहीं खा सकता, किसी सब्जी में डाल कर खाओगे, नहीं तो परांठा में डाल कर खाओगे, हैं, नहीं तो किसी चीज में मिला बुरा मिला कर खाओगे। घी वैसे नहीं खाते हैं, घी वैसे टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन किस चीज में डाल कर खाओ ना, या तो डालिया में खिचड़ी में डाल कर खाओगे, है, तभी उसका टेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो मधु है ना, मधु स्नेहा, यदि इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं, इसमें डाल कर खा सकते, वैसे खा सकते, वो अपने आप स्वाद है। इसलिए कहते राधा रानी का जो प्रेम है, कहते चंद्रावली राधा रानी, कृष्ण की जितने सखियों में सर्वश्रेष्ठ दो हो गए, एक चंद्रावली एक राधा रानी। लेकिन कहते चंद्रावली का जो प्रेम है, कहते ये घृत स्नेह है जी जी और राधा रानी का जो प्रेम है ना, मधु स्नेह है। बस इसमें किस चीज की जरूरत नहीं, वो स्वयं परिपूर्ण है, किस चीज की जरूरत नहीं। फिर उसमें कहते कि तदीयता और एक मदीयता, इस चीज को समझो, तदीयता और एक मदीयता। कहते तदीयता मतलब होता है हम उन कृष्ण के, लेकिन मदीयता मतलब होता है कृष्ण मेरे। बताओ इसमें कौन श्रेष्ठ होगा, समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण के मैं कृष्ण को, कृष्ण मेरे, इसमें कौन श्रेष्ठ होगा बोलो। कृष्ण के मैं हूं और कृष्ण मेरे ही, कृष्ण मेरे, बोला कृष्ण कृष्णा मेरे, मेरे है, ये श्रेष्ठ है। बोले क्यों श्रेष्ठ है, किस लिए श्रेष्ठ है, देखो ये चीज को समझो। कहते चंद्रावली का जो भावना है, मैं कृष्ण का, जब मैं कृष्ण का हूं, जैसे बच्चा बोलता है मैं माँ की, मतलब माँ की कर्तव्य मेरी सेवा करना। लेकिन मेरे जब कृष्ण कहते हैं, मेरे ऊपर सारी सेवा का दायित्व तो मेरे है, मेरे कृष्ण को कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ, मैं कृष्ण के लिए सब कुछ मैं करूंगी। इसलिए कहते राधा रानी का स्नेह है। इसलिए कहते महाप्रभु ने, कहते ब्रह्मा का एक दिन में आकर के वो उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम को प्रदान करते हैं, जिसे प्रेम में कृष्ण स्वयं है, कृष्ण स्वयं सब जगह में कृष्ण अपना, कहते जी यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मतलब जो मेरे को जैसे उपासना करता है, मैं उसको ठीक वैसे ही मैं प्रदान करता हूँ। लेकिन कहाँ पर आकर के अपना प्रतीक को तोड़ना पड़ा उनको, ये गोपियों के पास में आकर के बोले गोपियां, मैं ब्रह्मा जैसे कभी तुम्हारी ऋणी से ऋणी बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दिया है ना, भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तरफ एक तरफ कर दिया, इतने जिसको कृष्ण गीता में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, किसको अंदर में पूर्ण रूप में दिखाई पड़ती, गोपियों को अंदर है, जिसके लिए कृष्ण कहते मनमना भव। ये मनमना कौन है, संपूर्ण कृष्ण चरण में कहती ये ब्रज गोपियां है। मद भक्त भव, मेरा ही भक्त बन, माम जाजी, मेरे के पूज्य कर, माम नमस्कार, मेरे नमस्कार, कहते इसका जो एकदम चरम जो आदर से ही ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए महाप्रभु क्या देने के लिए आए, वो जो प्रेम बड़े दिन से नहीं दी गई उन्नत उज्ज्वल रस की, उसका जो श्री श्री मतलब होता है सौंदर्य, मतलब यहाँ पर कहते मंजरी भाव है, कहते अपना भक्ति ने उसका श्री, अपना भक्ति राधा रानी, राधा रानी को देने के लिए नहीं आए, उसका स्वभाव को देने के लिए जगत में आए हैं। कहते ये मंजरी भाव है, कहते भैया वो क्या चीज होता है, वो क्या चीज। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है बिलाप कुसुमांजलि है, और राधा कुंड में रहते समय बिलाप कुसुमांजलि, मतलब है जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक पुष्प चढ़ाते हैं ना, उन्होंने एक एक श्लोक को एक एक पुष्प रूप में करके राधा रानी के चरण में उन्होंने हमने चढ़ाया, इसको नाम कहते बिलाप कुसुमांजलि। रो रो करके उन्होंने राधा जी के चरण में एक श्लोक को चढ़ाया। उसी ग्रंथ में उन्होंने ये मंजरी भाव का क्या विशेषत्व है, वहां पर बहुत अच्छे रूप में उन्होंने डिटेल से रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया ये चार क्या दुर्लभ वस्तु है। इसमें एक श्लोक आती है, लतम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरेस्मिन पुंसा पुरुष पश्य नहि पश्यति। वहाँ पर कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, बोले रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, बोले ब्रज में तो तुम्हारे नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तुम बड़ी सती नारी हो, तुम बड़ी सती नारी ब्रज में, सारा दुनिया कहते रूप मंजरी बड़ी सती नारी, लेकिन तुम्हारे पति तो कहीं बाहर गए हुए, लेकिन बाहर तो पति गए हुए, लेकिन कौन सा ऐसे सुख पखिना आकर के तुम्हारे होठ में
चोंच मार कर दाग कहाँ से आया है, हैं? दाग कहाँ से आया? इसका मतलब ये जो चीज बताना चाह रहे हैं कि जब राधा कृष्ण जब कुंज में मिलते हैं, ये कभी भी मंजर या डायरेक्ट किसी ने कोई भी मिलना नहीं चाहते। कृष्ण अगर अकेला देकर बुलाए ना, कृष्ण को डांट लगा देते, ये कभी भी कृष्ण को साथ में मिलना नहीं चाहते। इनका जो काम है ये जुगल मिलन कैसे कराए, राधा रानी को कृष्ण को साथ में कैसे मिला है। इसलिए कहते स्पृश्यति यदि मुकुंदम तत् सखीनाम, अगर कृष्ण अगर राधा रानी को सखियों को स्पर्श करते हैं, लेकिन इनकी शरीर में ना स्वेद कंप अश्रु भवन सारे भाव इनके अंदर में अपने आप प्रकट होता है, अपने आप इनके अंदर। ये डायरेक्ट मिलना नहीं चाहते, राधा कृष्ण मिलन कराने पर इनको जो आनंद राधा रानी कृष्ण को मिलता है उससे करोड़ों आनंद राधा रानी को मिलते हैं। राधा रानी को जितना आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद मिलती है ये इसको ललिता विशाखा, क्योंकि उनकी सेवा वो करते हैं, उनको जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों ये मंजरी को मिलता है। इसलिए ये रस जितने नीचे आता जाता है ना उसमें ज्यादा ही ज्यादा उसमें आनंद मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी ये मंजरी रस में मंजरी भाव को महाप्रभु आस्वादन करते थे। इतने श्रेष्ठ भाव है मंजरी भाव। जब महाप्रभु जिस समय उन्होंने समुद्र में उन्होंने छलांग लगा दिया है, छलांग लगा दिया समुद्र को जमुना मान करके, जब जल्ली की जाल में निकले, फिर भक्त लोग ने मिल करके कीर्तन किया, महाप्रभु जब होश आया ना, महाप्रभु कहते मेरे को क्यों बुलाया, मैं राधा कुंड में राधा कृष्ण की मैंने लीला विलास को दर्शन कर रहा था, मेरे को वहाँ क्यों बुलाया। मतलब महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण जब राधा कुंड में जल विहार करते उसका रस को महाप्रभु आस्वादन करते। मतलब मंजरी भाव में कितने श्रेष्ठ वस्तु वो चीज में है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये कहते वहां पर कहते हैं जहां पर प्राण प्रेष्ट सखी कुलादपि असंकित भावगा, जहां पर जब राधा कृष्ण लीला करते हैं, जहां पर श्री ललिता विशाखा भी जहां पर प्रवेश करने के लिए उनको शर्म लगता है, संकोच बोध करते हैं, ये मंजरिया सब छोटी छोटी होती है, लेकिन है तो छोटी लेकिन भाव में परिपूर्ण। ये उसी समय भी अंदर में जाकर के राधा कृष्ण का सारे सेवा को तांबुलार्पण पानी की बिड़िया देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनके चरण की सेवा करते हैं, कुंजों को सजाना करते, सारे सेवा इनको प्राप्त होता है। मेन वस्तु है सेवा, आज किसको जितने जिसको जितना सेवा प्राप्त होता है ना वो उतना सौभाग्यवान है। इसलिए इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे ठाकुर का सेवा कर रहे हो ना साधारण से मत समझो, यहाँ पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो जितने बढ़िया प्रैक्टिस करेगा ना नौकरी बढ़िया मिलेगी। गोलोक वृंदावन में तुम्हारी सेवा तुम्हारी वहाँ पर भी बढ़िया सेवा प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लोग क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठाकुर को रोज जो मंगल आरती कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे राधा रानी का निकुंज मंदिर मैंने यहाँ उतार दिया, ये गौड़ीय मठ नहीं राधा रानी के निकुंज मंदिर। वहाँ पर जो जो काम होता है सखी मंजरिया कैसे सवेरे उठ करके राधा कृष्ण का आरती करते हैं, कैसे सुंदर सुंदर हवा बह रही है, कैसे कमल फूल खिले हुए, कैसे पपिया कोयल कैसे कुहू कुहू कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते मैंने गौड़ीय मठ नहीं राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ प्रकट किया। यहाँ पर जो जितनी अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा करेगा, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाएगा, ठाकुर जी की आरती करेगा, ठाकुर जी को फूल देगा, ठाकुर को माला पहनाएगा ना, बस यहाँ क्या फिर ट्रेनिंग हो रहा है, फिर तो बढ़िया नौकरी मिलेगा, तो ऊपर में नौकरी बढ़िया मिलेगा, फिर राधा रानी के चरण में नित्यकाल के लिए वहाँ नौकरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो बढ़िया करके करो, हाँ यहाँ पर तो अच्छे तरह से यहाँ पर सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये चीज को देने के लिए महाप्रभु ने इस जगत में आए। बोले समर्पय तुम सम्यक धातुम, समर्पय तुम मतलब यहाँ पर है पूरा के पूरा उसको देने के लिए, वो प्रेम को देने के लिए पूरा के पूरा उन्होंने इस जगत में आए हैं। बोले कलो, बोले कलो मतलब होता है कहते करुणा अवतीर्ण कलो, बोले कलयुग में उन्होंने करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, कृपा करके उन्होंने इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए महाप्रभु बहुत बड़े दयालु, बड़े दयालु महाप्रभु, ऐसे दयालु जगत में कोई नहीं हुए है। इसलिए श्री हैं कहते श्री भक्तिमान ठाकुर कहते हैं बोले दयाल नीताई चय तन्ना भोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताई चय तन्ना भोले नाचे रे अमर मन।
नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, हे मन दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्ना बन, नाच रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्ना बन, नाच रे अमर मन। इसलिए कहते हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर मेरे थे ना छूटे। बोले कभी ऐसे दयाल देखा, राम को थोड़ी सी सीता को उठा कर रावण ने ले गया, लंका समुद्र खत्म। कृष्ण अवतार में थोड़ी सी इधर उधर कर किया, चक्र उठा लिए, ये सब खत्म कर दिया। लेकिन महाप्रभु लीला में सर पर नित्यानंद प्रभु का मटकी मार कर फोड़ दिए। बोले भैया मेरे छी कल से खाना ताई बोली की प्रेम दीवाना, भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं तेरे को प्रेम नहीं करूंगा। बोले हमारे खिड़िया लो बोलो गौरा, एक बार श्री सचिन नंदन गौर हरि की जय। बस एक बार महाप्रभु का नाम ले लो। बोले कृष्ण प्रेम आयस जार दूर दर्शन, महाप्रभु जिसको दूर से देख लिया ना, बस कृष्ण प्रेम आ गया, कृष्ण प्रेम आ गया। इसलिए महाप्रभु कहते बड़े दयालु। बोले इतने करुणा कैसे बन गए, वही तो कृष्ण ही तो आए ना महाप्रभु, करुणा कैसे बने गए। कारण है बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरित, करुणा स्वरूपणी कौन है, राधा रानी। कलयुग में उन्होंने राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के आए, और राधा रानी बड़ी करुणा बड़ी दयालु राधा रानी, बिना कारण के जीवों के ऊपर में कृपा करने वाले श्री राधा रानी। कहते इसीलिए कलयुग में इतने करुणा बन गए, नहीं तो करुणा कहाँ से आते। वो करुणा में तो श्री राधा रानी करुणामयी है। इसलिए कहते करुणया अवतीर्ण कलो कृपया प्रपंचागत है, कहते कृपा करके उन्होंने क्या किए, इसे प्रपंच में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन रहने वाले कहाँ के, बोलो के वृंदावन के श्वेत देव के, लेकिन कृपा करके इसी जगत में उन्होंने अवतीर्ण हुई है। बोले पुरुट सुंदर दूती कदम्ब संदीपित, उनने कलयुग में कैसे आए, कहते उन्होंने सुवर्ण जसो स्वर्ण कांति पुंजे न सम्यक प्रकाशित सहज। इसलिए कहते हैं, कहते उन्होंने राधा रानी की सुवर्ण कांति, राधा जी की कांति को लेकर के उन्होंने सम्यक प्रकाशितम पूर्ण रूप में इसी जगत में राधा रानी की भाव अंग कांति के लेकर के पूर्ण रूप में जगत में आए। कहते ऐसे कौन, बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि महाप्रभु। तो यहाँ पर सचिन नंदन गौर हरि क्यों नाम लिए, बोले कारण है जो सच्ची माँ है ना, देखो देखना जगत में अगर माँ की गुण अगर बेटे में आता है ना, वो बेटे को सौभाग्य बन जाती है। अगर उसको चेहरा अगर बेटे में आए, माँ की चेहरा, वो बेटा सौभाग्यवान है। अगर अगर पिताजी की, पिताजी के अगर चेहरा बेटी में आए, पिताजी का अगर चेहरा बस उसका गुण बेटी में आए, वो बेटी बड़ी सौभाग्यवान है, वो बड़ी सौभाग्यवान बन जाती है। इसलिए कहते अगर माँ की गुण सच्ची मैया की गुण, कहते सच्ची मैया का क्या गुण, बोले सच्ची मैया मैया जसोदा से भी ज्यादा दयालु। बोले कैसे, उसको उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब वृंदावन में मटकी फोड़े दूध दही की मटकी फोड़े, कहीं उनने कहीं मिट्टी पिट्टी खाई, मैया जसोदा ने क्या किया, मिट्टी खाई तो मैया गई सीधा कान पकड़ी, और कुछ नहीं सीधा कृष्ण के कान पकड़े। क्यों रे चोर चोटे घर में मक्खन मिश्री कमी, तुमने आज ही है तुमने मिट्टी कैसे खा ली, मिट्टी कैसे खा ली, बता तुमने मिट्टी खाई कि नहीं, सीधा कान को पकड़े। बोले कैसी चीज कमी अपवित्र, बोले तुम पवित्र, तुम अपवित्र हो हैं, तुमने मिट्टी खाई। जब उन्होंने मटकी पड़े सीधा उखल में बांध दिए, सीधा उखल में बांध दिए। लेकिन सची मैया, देखो सची मैया कितने दयालु। महाप्रभु रोज जब स्कूल से पढ़ करके आते थे, मैया क्या करती थी, कृष्ण महाप्रभु जाते थे गंगा स्नान के लिए, मैया गंगा पूजा के लिए धूप दीप धूप सबको प्रस्तुत करके रखती थी। एक दिन महाप्रभु स्कूल से आए, बोले मैया दो, मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, गंगा पूजा के लिए सामग्री दो। मैया बोले थोड़ी रुक जा मैं लेकर आती हूँ। बोले लेकर के आती हूँ, अभी तक लाई नहीं। हे महाप्रभु इतना क्रोध आया ना, महाप्रभु के डंडे लिए, और डंडे लेकर जितने पहले तो मिट्टी की पात्र में जितने खाना बनती थी, ये डंडे लेकर के जितने मिट्टी पात्र था फोड़ फाड़ करके हैं एकदम फोड़ फाड़ दिए। अभी तक लाई नहीं, अभी लाओगे, पर डंडे को लेकर के जमीन पर मारने लग गई महाप्रभु। लेकिन ये सची मैया ने कुछ भी नहीं बोली,
एक कोण में खड़ी रही। लेकिन जब महाप्रभु उसको बाद में जमीनी पर लौट पोट उठाने लगे, रो रो करके लौट पर, तब देखना बच्चा जब ऐसे करता ना लौट किसी कारण से, और उसको बाद में क्या होता है, ज्यादा रो रो कर बच्चा सो जाता है, हैं? सो करके फिर नींद उसका खुलता है। जब महाप्रभु की नींद खुली, सच्ची मैया कुछ नहीं बोले, बोले बेटा तुमने किसकी नुकसान किया, अभी ठाकुर जी के लिए खाना कैसे बनेगा, प्रसाद कैसे बनेगा, तुमने सारे ठाकुर का बर्तन बर्तन फोड़ फाट दिया, अभी ठाकुर जी के लिए रोसोई कैसे बनेगा। बेटा इतना क्रोध नहीं करनी चाहिए, मैया कुछ भी नहीं बोली। इसलिए यहाँ पर कह रही हैं, जो सच्ची मैया है ना, इतने दयालु सच्ची मैया, जो महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे, सच्ची मैया ने कुछ बोले, जिनकी दो बेटे, दो बेटे में एक बेटा पहले चला गया, कहा साधु बनकर चला गया, बड़ा विश्वरूप संन्यास ले लिया, उसको बाद में उनको पिताजी की स्वर्गवास हो गया, वो भी धाम में चले गए, घर में केवल एक बेटा और लक्ष्मी प्रिया और कुछ नहीं, कोई विष्णु प्रिया कोई नहीं घर में है, और उस समय विष्णु प्रिया बहुत कम उम्र की, और सच्ची मैया कितना वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, और घर में बहू शादी करके घर में बहू लाई। अभी घर में तो पहले माताएं तो कोई नौकरी चाकरी नहीं करते थे, लेकिन उसी समय महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे, लेकिन सच्ची मैया ने कुछ बोले, महाप्रभु कुछ बोले, जे तू क्यों संन्यास लेकर जा रहे, एकदम लकड़ी के लकड़ी जैसे खड़ी थी। महाप्रभु परिक्रमा किए, माता जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने संन्यास लेकर गए, और उन्होंने निर्दया घाट में पास निर्दय होकर के उन्होंने गंगा को पार किया। सच्ची मैया ने कुछ बोली नहीं। फिर उसके बाद में फिर जब महाप्रभु फिर जब काटवा में संन्यास लेकर शांतिपुरी में आए, जब शांतिपुरी में आए सारे नवद्वीप वासियों को पता चला, सारा दुनिया गए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, सारा दुनिया गए दर्शन करने के लिए। जब गए तब इतने में महाप्रभु सच्ची मैया भी गई, रोसोई बना करके अपना बच्चे को खिलाई, लेकिन इस महाप्रभु कहते, महाप्रभु कहते, माँ मैं तेरे पागल बेटा हूँ, मैंने पागलपने से संन्यास ले लिया, तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया, मैया तुम बताओ, तो जो बोलोगे मैं वो करूँगा, जो बोलोगे मैं करूँगा। अब बता जगत का माँ होता तो क्या बोलता, घर में चलो वापस चलो, तुम्हारे घर में बीवी इतना कम उम्र पत्नी के शादी करके छोड़ करके आ गया है, छोड़ करके आ गया। मैं जब साधु नहीं बना, हमारे गांव में गौरी मठ का कोई के साधु आया था, अभी उनको देख कर मेरे को तो, मैं तो छोटा बच्चा था उस समय, कितना 12-13 साल का होगा, उसको देख कर मेरे कितने इतने बढ़िया लगा, इतने बढ़िया लगा, बोले मैं भी साधु बनूंगा। ये मैया, हम छः भाई थे, एक भैया थे, एक का बेटा होकर गए, मैं सबसे छोटा था, मैया के जो पता चला वो साधु को पीछे पीछे घूमने लग गया, मैंने घर घर में भिक्षा करने लग गया। सुबह मैया की जो पता चली ना, सोच नहीं, मैया तो ईंट उठा करके मारने के लिए दौड़ी मेरे को, और मेरे जो भैया थे ना डंडे से मेरे को पिटाई गए, हाँ डंडे से मेरे को साधु बने गए, लिखाई पढ़ाई करे, नौकरी चाकरी करोगे, हाँ घर गृहस्थ करे, साधु बने। मैं 12 साल उम्र में तेरा है, मेरे मैया पत्थर लेकर मारने के लिए दौड़ी मेरे को। इसलिए अगर यहाँ पर जब महाप्रभु बोले, बताओ तुम्हें भी अभी तुम क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। लेकिन वो साधारण थोड़ी, वो स्त्री है साधारण भगवान की माँ, बोले बेटा एक ही काम करियो, यहाँ से ज़्यादा दूर मत रहियो, निकट में रहना, कम से कम तेरी खबर मेरे पास में पहुँचते रहे, मेरे को पता चले मेरे लाला ठीक ठाक है। बोले मैया तू जो बोलोगे मैं वही करूँगा। बोले ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर जगन्नाथपुरी पास में है, लोग आते जाते रहते ही, कम से कम लोग वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, आएंगे तो कम से कम तेरा तो खबर देते रहेंगे मेरे लाला ठीक ठाक है, बस इतना सुन करके मैं संतुष्ट रहूँगा। देखो उन्होंने कैसे, कितने दयालु मैया सच्ची, कितने दयालु। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, सच स्फुरत हुए सच्ची नंदना, कहते मेरे हृदय में कौन स्फुरित प्राप्त हो, बोले सच्ची नंदन गौर हरि प्राप्त हो, माँ सच्ची जो दयालु है, ये सच्ची नंदन बोलने पर उनका हृदय बड़े दयालु बड़े कृपालु, इसलिए कहते स्फुरत वह सच्ची नंदन, बोले हृदय कंदरे। वो उदाहरण देते हैं कहाँ पर ये सच्ची नंदन कहाँ पर प्रकाशित हो, वो उदाहरण देते हृदय कंदरे, कहते हृदय रूपी कंदरा मतलब गुहा गुफाए हैं, हृदय कंदर में, कहते हृदय कंदरा क्यों उदाहरण देते हैं,
जैसे कंदरा मतलब गुफा, बड़े अंधकार होता है ना, कहते हमारे हृदय में भी बड़े अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे हृदय में भरा पड़ा हुआ है। मेरे हृदय में काम क्रोध से भरा हुआ, लेकिन जैसे कंदरा में महाप्रभु क्या बताया गया, ये चैतन्य महाप्रभु सिंह है, चैतन्य महाप्रभु ने सिंह बताया, चैतन्य सिंह। इसलिए जैसे कई सिंह आने पर, दहाड़ मारने पर क्या होता है, सारे बड़े बड़े जानवर भी, हाथी जैसे मत वाला हाथी भी वहां से भाग जाते हैं। कहते मेरे हृदय रूपी कंदर में जो अंधकार है, जो अज्ञान, जो अनर्थ से भरा पड़ा हुआ, और बड़े बड़े मत वाला हाथी रूपी जैसे वहां पर सबके सब काम क्रोध रहते हैं, लेकिन महाप्रभु रूपी जब शेर जब दहाड़ मारेगी क्या होगी, जैसे सब जानवर भाग जाते हैं, जब महाप्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे क्या होंगे, उनकी दहाड़ से सबके सब काम क्रोध लोभ सबके सब अपने आप हृदय से भाग जाएगा। इसलिए कहते स्फुरत उभ सचिनंदन सदा, कहते हृदय कंदरे चित्तो गुहायाम सदा, सदा का मतलब सर्वस्मिन काले अहर्निशम स्फुरतो प्रकाशयतो। तो यहाँ पर कहते हैं सदा, सदा मतलब क्या, क्या थोड़ी समय के लिए महाप्रभु हृदय में प्रकाशित, तो बोले नहीं है थोड़ी समय के लिए, सर्वस्मिन काले हर समय के लिए महाप्रभु हमारे अंदर में अहर्निश स्फुरतो हर समय में प्रकाश है, तो हमारे हृदय में हर समय के लिए महाप्रभु हमारे हृदय में बंध जाए। अगर महाप्रभु हृदय में हर समय बंध जाएंगे तो काम करो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। कहते ये जो श्लोक है, कहते इस महाप्रभु जगत में आने का, कहते ये गौण में ये मुख्य कारण है महाप्रभु जगत में क्यों जगत में आए, और विशेष करके उन्होंने कहते उन्होंने श्री रागात्मिक रागानुगा भक्ति, और उसमें भी कहते श्री रूपानुग भक्ति देने के लिए आए, मतलब श्री रूप गोस्वामी की आनुगत्य में जो सेवा है ना, श्रेष्ठ सेवा है, राधा रानी की निकुंज महल में ही राधा रानी की आनुगत्य में श्री जो सेवा, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है, इससे बड़ा जगत दुनिया में और जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है, ये महाप्रभु आने का ये दूसरा कारण है। कितना टाइम हो गया? हाँ, रागात्मिका जो भक्ति है, जो नित्य सिद्ध परिकर है ना, उनके हृदय में जो भक्ति रहती है वो रागात्मिका भक्ति, उनका अनुगत्य में जो भक्ति कहते हो वो रागानुगा भक्ति, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। हाँ, इसलिए उनको लोग जैसे भजन करते हैं, जो रागात्मक भक्ति जो नित्य सिद्ध परिकर है ना, उनका हृदय में ये चीज रहती है, हम लोग उनके अनुगत्य में ही हम भगवान की सेवा करना, इसलिए इसको कहते रागा नुगा भक्ति उसको कहते हैं। कितना हो गया? पहले ना हो गया, ठीक है ठीक, कल हम सुनेंगे, कल हम लोग सुनेंगे फिर महाप्रभु आने का तीसरा और चौथा, कल ये दोनों को ही हम सुन लेंगे, ठीक। आधा इधर आधा उधर। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga భక్తి ప్రజ్ఞానికి స్వామి మహారాజ్కి జయ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదకి జయ సపరికర గౌరవ హరికి జయ అనంత కుటి గౌరవ భక్త బృందకి జయ సమాగత గౌరవ భక్త బృందకి జయ గౌరవ ప్రేమానందే